निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह प्रशिक्षण सत्र राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ की प्रस्तुति है। आज हम मॉड्यूल प्रथम पाठ्यचर्या एवं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत छठा सत्र समावेशी कक्षा कक्ष पर चर्चा करेंगे। इस प्रशिक्षण के प्रतिफल इस प्रकार हैं। शिक्षक समावेशन की अवधारणा से परिचित हो सकेंगे, कक्षा कक्ष में समावेशी वातावरण का निर्माण कर सकेंगे, समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक रणनीतियों का निर्माण कर सकेंगे, विभिन्न उपायों से सभी बच्चों का नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित कर सकेंगे। शिक्षक समावेशन के लिए आवश्यक कौशल विकसित कर सकेंगे। इस प्रशिक्षण के मुख्य प्रशिक्षण बिंदु इस प्रकार हैं। समावेशी कक्षा कक्ष की अवधारणा, समावेशी कक्षा कक्ष का वातावरण, समावेशी कक्षा कक्ष के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियाँ, समावेशी कक्षा कक्ष में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय, समावेशी कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका, समावेशी कक्षा कक्ष हेतु शिक्षकों के कौशल। समावेशी कक्षा कक्ष की अवधारणा। समावेशी कक्षा कक्ष से हमारा तात्पर्य ऐसी कक्षा कक्ष व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करते हुए बिना किसी भेदभाव के सीखने सिखाने के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं। समावेशी कक्षा कक्ष शैक्षिक एवं सामाजिक वातावरण जो जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों सहित सभी छात्रों के लिए आनंददायक अधिगम वातावरण बनाने पर केंद्रित होता है। समावेशी कक्षा कक्ष का वातावरण। उचित बैठक व्यवस्था। कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था उचित होनी चाहिए। कक्षा कक्ष में सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए। गतिविधियों में समान अवसर। सभी बच्चों को समान भाव से गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। रुचिपूर्ण वातावरण का निर्माण। कक्षा कक्ष में शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ मैत्री भाव से शिक्षण कार्य करना चाहिए। कक्षा कक्ष का वातावरण सभी के लिए सहज और रुचिपूर्ण हो सके। भयमुक्त एवं तनाव रहित वातावरण। कक्षा कक्ष का वातावरण मैत्रीपूर्ण होना चाहिए जिससे बालक भयमुक्त और तनाव रहित वातावरण में उन्मुक्त भाव से शिक्षा ग्रहण कर सके। अभिव्यक्ति के अधिकाधिक अवसर। बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए अभिव्यक्ति के अधिकाधिक अवसर प्रदान करना एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए कक्षा कक्ष में सभी शिक्षकों को इसका पालन अवश्य करना चाहिए। आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार एक शिक्षक ने कक्षा कक्ष के अरुचिपूर्ण वातावरण को गतिविधियों व समावेशन के द्वारा रुचिपूर्ण वातावरण में परिवर्तित कर दिया। स्कूल का एक और दिन। बच्चों, आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। सब लोग ध्यान से सुनो। चलो नोट करो और फिर याद करो। अधिकांश स्कूलों में ऐसी ही क्लासेस देखने को मिलती हैं। ना कोई एक्टिविटी, ना कोई TLM, उदास माहौल। संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण। अब आइए एक और कक्षा को देखते हैं। चलो आज हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं।
देखो उस पोस्टर में क्या चित्र बना है। बस, ट्रेन और साइकिल। वेरी गुड। अच्छा, अब आप सभी चार ग्रुप में बंट जाओ और इन शब्दों के चित्रों को इस कमरे में ढूंढो। फातिमा ने पूरा क्लासरूम, तस्वीर, चार्ट, ग्लोब, मैप, मैथ टेबल, लूडो जैसी चीजों से भर दिया है। इस तरह का प्रिंट रिच एनवायरनमेंट सिखाने के प्रोसेस को रुचिकर और प्रभावी बनाने में मदद करता है। शिक्षण अधिगम सामग्री का यथावश्यक उपयोग किया जाना। अच्छा बच्चों, ये है पिक्चर कार्ड्स। तुम सबको अपने अपने ग्रुप के साथ चर्चा करते हुए इनमें से संज्ञा शब्द वाले कार्ड्स को छांटना है। इस प्रकार कई तरीकों से सिखाते हुए फातिमा मैडम बच्चों में संज्ञा की अवधारणा विकसित करती हैं। अब हम पाठ में से संज्ञा के शब्दों को छांटेंगे। कौन करेगा? बच्चों में फर्क नजर आया? ये उत्साह इसलिए है क्योंकि कक्षा का वातावरण बदल गया है। इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि शिक्षक ने कक्षा का समावेशन हेतु कुछ रणनीतियां अपनाई। कुछ प्रमुख रणनीतियां जो कक्षा का समावेशन हेतु अपनाई जा सकती हैं वो इस प्रकार हैं। समावेशित विद्यालय वातावरण। समावेशित विद्यालय वातावरण अर्थात विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि जहां सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करते हुए बिना किसी भेदभाव के सीखने सिखाने के अवसर उपलब्ध हो सकें। सबके लिए विद्यालय। सबके लिए विद्यालय से आशय है कि किसी भी बच्चे को जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक पृष्ठभूमि, दिव्यांगता आदि के कारण शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। बालकों के अनुरूप पाठ्यक्रम। बालकों के अनुरूप पाठ्यक्रम अर्थात सामान्य व विशिष्ट सभी बच्चों के लिए समुचित पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। सहायक तकनीकी उपकरणों का प्रयोग। विद्यालय में नामांकन व ठहराव के लिए और अधिगम स्तर प्राप्त करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। समावेशी कक्षा कक्ष में सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय। सामुदायिक भावना को बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन। खेलों से सभी बच्चों को एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना बढ़ाने का अवसर मिलेगा। सभी बच्चे एक दूसरे के समुदाय में खेले जाने वाले खेलों से भी अवगत हो पाएंगे। खेल में मिली जिम्मेदारी को सामुदायिक भावना से पूरा करने में सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को समस्या के समाधान में शामिल करना। अध्यापक को चाहिए कि सभी बच्चों को किसी समस्या पर अपने अपने विचार देने के लिए स्वतंत्र करना चाहिए और उन्हें भी समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस प्रकार बच्चे तर्क शक्ति का विकास कर पाएंगे। किताब व गीतों का आदान प्रदान करना। किताबों और गीतों के आदान प्रदान करने से आपस में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। आपस में सहयोग की भावना बढ़ेगी। इस प्रकार वह समाज में भी समावेशन कर पाएगा। संबंधित विचारों का कक्षा में आदान प्रदान करने से अपने अधिगम स्तर को बढ़ाया जा सकता है। अध्यापक को भी पता चल पाएगा कि बच्चों को कहाँ आवश्यकता है। विभिन्न क्रियाकलापों के लिए दल बनाना। दल में सभी बच्चों को रखने से उनका एक दूसरे से समावेशन हो जाएगा और नेतृत्व की भावना का विकास हो जाएगा, जिससे वह आगे चलकर समाज में भी समावेशन कर सकेगा। विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा लेना। शिक्षा में होने वाले नवाचारों को अपने शिक्षण में प्रयोग करके हम समस्याओं का समाधान बहुत शीघ्र कर पाते हैं, इसलिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा लेनी चाहिए। अभिभावकों से परस्पर सहयोग लेना। शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों के अभिभावकों से समय समय पर
परिचर्चा करते रहना चाहिए और बच्चों की समस्याओं का निराकरण करते रहना चाहिए। विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंध समिति, माता शिक्षक संघ, मीना मंच आदि में अभिभावकों से सहयोग लेते हुए विद्यालय में सभी बच्चों के लिए समावेशी माहौल तैयार करना चाहिए। समावेशी कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका, नेतृत्वकर्ता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, परामर्शदाता के रूप में, अनुश्रवणकर्ता के रूप में और समन्वयक के रूप में। शिक्षक को नेतृत्वकर्ता के रूप में मूल्यांकन करने और निर्णय लेने की आवश्यकता होती है ताकि विद्यालय कैसा चल रहा है और कहां सुधारों की आवश्यकता है यह वो समझ सकें। समय सारणी को अच्छी तरह प्रबंध करना चाहिए। छात्रों को उनकी योग्यताओं और शक्ति का ज्ञान कराना ताकि वो अपनी क्षमता के अनुसार समाज के लिए उपयोगी योगदान दे सकें। छात्रों को संतुलित शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक प्रगति में इस प्रकार सहायता देना कि वो अपने वातावरण के साथ संतोषजनक ढंग से समायोजित हो सकें। एक आदर्श शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ सौहार्द स्थापित करता है, उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनता है और उनका निराकरण करने की कोशिश करता है। अध्यापक को छात्र, विद्यालय एवं अभिभावकों के बीच समन्वयक की भूमिका भी निभानी पड़ती है। इसके लिए अध्यापक को शिक्षा संबंधी नवाचारों से अवगत होना चाहिए, अपने छात्रों से प्रेम पूर्वक संबंध होने चाहिए, स्थानीय समुदाय की भी जानकारी होनी चाहिए। सभी तरह के बच्चों को प्रत्येक गतिविधि में समावेशित करना चाहिए। आइए इस वीडियो के माध्यम से शिक्षक की समन्वयक के रूप में भूमिका को समझने का प्रयास करते हैं। ये है छठी कक्षा की विज्ञान क्लास। शिक्षक ने कार्डबोर्ड पे ये चक्के पे चक्का बनाया है। छोटे चक्के पे सवाल और उससे जुड़े जवाब बड़े चक्के पर। तो बोलो बच्चों, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा है सर। और हीरा का उपयोग? हार बनाना। सो तो है, पर और क्या? जरा चक्के में ढूंढो। ये है सर, कांच काटना और धातुओं में छेद करना। बिल्कुल सही। नवाचार या रोचक गतिविधि एक प्रभावी तरीका है पढ़ाने का, जिससे एक शिक्षक बच्चों में विषय के प्रति रुचि पैदा कर सकता है। सीखने के लिए बातचीत। अब देखिए सुभाष सर बच्चों को कैसे खेल खेल में विज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। पहले वो बातचीत के माध्यम से बच्चों से उनके डेली एक्सपीरियंस जानने का प्रयास करते हैं। तुमने आम को पेड़ से नीचे गिरते देखा होगा? जी सर। पर वो नीचे ही क्यों गिरता है? अब ये देखो, इस बॉल को हमने ऊपर फेंका पर वो नीचे आ गई। ऐसा क्यों? पता नहीं सर। अच्छा ये बताओ, कोई भी चीज जो ऊपर फेंकी जाती है तो नीचे किसकी तरफ आती है? पृथ्वी की तरफ। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब पृथ्वी सभी चीजों को अपनी ओर खींच लेती है। इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। देखा आपने, बच्चों से बातचीत करते हुए शिक्षक ने विज्ञान की एक अवधारणा को कितनी आसानी से समझा दिया। मैं भी सोचती हूँ, काश हमने भी बचपन में ऐसे सीखा होता। खैर हम नहीं, ये बच्चे ही सही। सही कहा। देखो कैसे कक्षा बदल गई है। ऐसे घुलते मिलते सीखेंगे तो ही ये अपनी क्रिएटिविटी का विकास कर पाएंगे। खुलकर बोले, मिलकर सीखें, तभी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। शिक्षा के माहौल को बदलो, तभी तो बच्चे खूब पढ़ेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि शिक्षक कक्षा कक्ष में समावेशन के लिए समन्वयक की भूमिका निभाता है
और बच्चों से बातचीत और खेल के माध्यम से सभी को समान अवसर प्रदान करते हुए अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाता है। शिक्षकों के लिए कौशल। शिक्षकों को विद्यार्थियों में अंतर की पहचान करने के लिए संवेदनशीलता। शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए, किसी भी बच्चे की भावना आहत ना हो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए उसका शिक्षक ही आदर्श होता है। विद्यार्थियों के बीच सामाजिक व सांस्कृतिक, आर्थिक और भौतिक विविधताओं की स्वीकृति। शिक्षक को सभी बच्चों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, सामाजिक व आर्थिक स्तर का हो। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों के परिवेशीय ज्ञान का उपयोग। शिक्षक को कक्षा कक्ष में शिक्षण करते समय बच्चों को उनके परिवेशीय ज्ञान से जोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चा अपने परिवेश से अधिक सीखता है। इस प्रकार वह अधिगम स्तर को बढ़ा पाएगा। शिक्षण में तकनीक व प्रौद्योगिकी का उपयोग। शिक्षण करते समय शिक्षण सहायक सामग्री में तकनीक व प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करने पर बच्चे अधिक रुचि से सीख पाते हैं और वह ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। हम इस प्रकार कक्षा कक्ष में समावेशन भी कर पाएंगे। आज के प्रशिक्षण सत्र के उपरांत हम शिक्षक समावेशन की अवधारणा समझ पाए। कक्षा कक्ष में समावेशी वातावरण का निर्माण कैसे किया जाए, क्या क्या रणनीतियाँ अपनाई जाएं और शिक्षकों के कौशल विकसित करने के उपायों से भी परिचित हो पाए। आशा करते हैं कि आप सभी इस प्रशिक्षण सत्र से लाभान्वित हुए होंगे। इसी के साथ आज का प्रशिक्षण सत्र समाप्त हुआ। धन्यवाद।